मूवीज में बच्चे देखते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड। आपका क्या स्टैंड है वैसे इस पे? हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, आज है मेरा फ्राइडे का फास्ट। सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है, तोरी बन गई है, बच्चों को खिलाऊंगी आलू की परांठी। फ्राइडे को मैं मेन्यू चेंज नहीं करती, क्योंकि आलू की परांठी या फिर क्या बनता था, पीली दाल और दाल वाले जिसमें प्याज यूज नहीं होता। आज पूरा घर हम अनियन गार्लिक यूज नहीं करते आज के दिन। अनियन फ्री, गार्लिक फ्री। तो आज ये हो चुका है, सना स्कूल गई हुई है, लास्ट डे है, और कल और परसों के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। अगर वो एग्जीक्यूट हुई तभी बताएंगे, नहीं तो बाद में बता तो देंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आने वाली। क्योंकि वो उसमें शायद 1% कुछ है, डाइसी सा कुछ हो जाए। कल का तो ब्रिटिश और है। जरूरी नहीं है कल की तो बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कल वाला ही खराब। ब्रिटिश और है, ब्रिटिश और है वो, थोड़ा नादान है। तो बनी नहीं है ब्लॉग को देखते रहे, और आपने दीदी की एनिवर्सरी वाले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और ऐसा लगता है कि अब हम जैसे मैं जगत चाहती हूँ वैसे वो जगत बुआ जगत जीजा बन चुके हैं। तो और बड़े बड़े अच्छे सजेशन आए। तृप्ति राज ने बोला डार्क लिपस्टिक लगाओ बेटा, डार्क लिपस्टिक जो है ना मिस्ट्री मैन को मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती, बट आपके लिए जरूर लगाऊंगी। ये देखो ये लगाने नहीं देते मुझे, मेरा ये रीजन है, मुझे मैं अपनी इच्छा से रेडी नहीं होती, जो इन लोगों को अच्छा लगता है। ये जब इनकी वो आ जाएंगी ना, वाइव्स आ जाएंगी, तब ये अपना वो करेंगे, तब उनको डार्क लिपस्टिक्स भी अच्छी लगेंगी। सब कुछ मुझे मुझ पर सब कुछ है कि लाइट ही लगानी है, लगानी ही नहीं है, बट मैं आपके लिए जरूर लगाऊंगी। मेरे को इसलिए मेंशन करना था कि मिस्ट्री मैन को नहीं पसंद, तो इसलिए नहीं लगाती, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, सिर्फ लाइनर लगाती हूँ। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए। यहाँ बन रहे हैं आलू दे पराठे, बट मिस्ट्री मैन नहीं है नमक डालने के लिए। आया बड़ा, तो देखते हैं फर्क आज। यहाँ तुम्हारे नमक डालने के लिए तो बैठे हुए। ये सना वाला बन रहा है क्या? ये सना वाला, वो तुम्हारा तो बन गया है। ये देखो, ये देखो, ये ना नन का मसाला, नन का मसाला से निहालिका जब लेके जाओगे ना, तो आलू का परांठा भी बहुत 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 अच्छा टेस्टी बनता है। एक भिंडी अच्छी बनती है उसकी, बैगन अच्छे बनते हैं, आलू अच्छे बनते हैं, हर चीज में मसाला। तो अच्छे से 8-10 पैकेट लेके जाना। और ये देखो डन होता है, शौर्य देगा टेस्ट टेस्ट, बढ़िया ही होने वाला है। मिस्ट्री मैन, अच्छा वो हमेशा की आदत है ना पराठे की, तो पहली बार। लेकिन नमक तो बिल्कुल सही डाला आपने, परफेक्ट सही डाला, परफेक्ट है। जिंदगी का आया मजा कि नहीं आया है? अब ये इतने यम पराठे बिना, अच्छा इसमें अनियन का टेस्ट का फर्क लगा तुम्हें कि अनियन नहीं है इसमें? मेरे को तो नहीं लगा। तो ये दो ही चीजें मुझे समझ आती है, कोई और क्रेजी फैम दिखे कि कोई बिना अनियन के मैं बना पाऊँ बच्चों के लिए? चीजें तो बहुत है, तो सब चीजें बिना अनियन के, बट ये है कि मेरे को ये इजी लगता है, हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकता बंदा, और जब तक फास्ट है तब तक। और हमारे खत्म होने का बस अक्टूबर 21 है ना, तो तब खत्म होगा, अब सावन के शुरू होने वाले हैं, मंडे नेक्स्ट मंडे। मैं इसको भी मोटिवेट कर रही हूँ कि रख ले, पता है शिव जी कितनी सुंदर बीवी देंगे, अगर औरतें रखती हैं अच्छे आदमी मिलते तो आदमियों को भी तो मिलते हैं ना। सावन के व्रत रखो तो लड़के रखे तो बीवियां सुंदर मिलती होंगी, पता नहीं। मैंने तो रखा था, मेरे को तो मिस्ट्री मैन मिल गए भाई। और मैंने तो हम जब शुरू से शादी से पहले भी कोई सोचेगा सरदार नहीं थी, तो कैसे सावन की मम्मी मैंने हमेशा रखे हैं, पता है मुझे 16 सोमवार मुझे डिफिकल्ट इसलिए लगते थे कि मीठा, मैं मीठी रोटी नहीं खा पाती, मीठे में क्या खाएगा बंदा, तो फ्रूट खा लेते थे। तो अब ये है कि अब सावन के इस बारी 8 आ रहे हैं, क्रेजी मैम इस बारी 8 है, अधिक मास है, हाँ 2 महीने है सावन इस बारी, अधिक मास का महीना है, हर त्योहार लेट नहीं आ रहा इस बारी। क्रेजी मैम बताना, ये हमने आपको बताया ये आपको पहले पता था। तो अब सना आती है तो मिलते हैं आपसे, सना के साथ ही करूंगी लंच, मम्मी को खिलाते हैं, मम्मी आ गई अपना सिमरन कर देना, टुकड़ों में खाते हैं यहाँ पे कोयल वाली बात। हाँ अच्छा, रात को ये कुछ एक नई चीज बता रहा है, कह रहे रात को कोयल, वो मैं ही तुम्हारे घर के पार्क में गाना गा रही थी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। देख ऐसी थी आवाज, आप ही थे अब ये पेड़ पे, यहाँ तूने आवाज क्लिप बनाई है प्रॉपर, कोयल भी दिखी थी, कोयल ने दिखी क्लिप बनाई है, वो मैं ही थी फिर। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो क्लिप लगा दी है। क्रेजी मैम वो क्लिप अभी आप देख चुके हो, मैंने इसको बोला है रात को, तू भी उसके साथ बोलता है बड़ा अच्छा रहा, कह रहा मुझे कैसे बोलता, मैं मुझे तो आती है, चलो यहाँ बात कर रहे हैं, करके सारे बोलते हैं, वो कह रहा उसमें तो कोयल कॉपीराइट तो नहीं मार देगी, नहीं कोयल कॉपीराइट मत मारना। ओके अच्छा चलो, ये बढ़िया मम्मी से भी कर रहा है। चलो पहले आप अब उसकी आवाज सुनाएंगे, मैं खुद ही बोलूंगा, वो सुन चुके हैं ना,
ये आप ही थे उधर हमारे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चल तेरी बात, तू करना तो आती नहीं, तो ट्राई तो कर, मम्मी भी करेंगे इसे, ट्राई कर। ये कोयला भी तो होता है। नहीं 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 कोयल की ट्राई व्हाट्सएप में आती है। अब मैं ट्राई कर, अब ये करते चलो, अब इसकी बारी। चल चल, रात को तू उससे बात करता, मैं तेरे से बात करती, पता है। हाँ हाँ, वेरी नाइस नाइस एफर्ट। ये मूल मुंह कोयल जैसा नहीं बना, बढ़िया बढ़िया। अब मम्मी की बारी, चलो करो 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 ट्राई करो, चलो चलो। ओ नाइस नाइस नाइस, ये अब अगले कंटेस्टेंट में चलो 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 करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। एक उनको लाइस लाइस लाइस, एक और बार लाइस, कमेंट करो सना को इधर खड़े जैसे ही पैर रखेंगे उससे बुलवाएंगे। सबसे नियरेस्ट किसका था ये बताना, मेरा क्रेजी थॉट था। सना आ गई है, लेकिन सना एक टास्क है आपके लिए, आते ही हाँ आपको निकालने कोयल की आवाज। एग्जाम्पल चलो अच्छे से निकालो, जल्दी से, चल चल चल, फिर इसका ही नाम नहीं हो रहा है, चैलेंज है, ये कोई प्रैंक हो रहा है। वो देख ले, मैंने इसे निकाल के रखा था, रुको दिखा देता हूँ। दिखाने के लिए सबने किया है, मुक्ति आंटी ने भी, ये ले बस, मैं सोचने का मौका नहीं देना हमने, ऐसे बस ये ले, देख ले, चल चल चल, विश्वास नहीं करती ऐसे, चल ढंग से निकाल, निकाल मेरे को दिखाओ मत फिर, चल चल दिल उल्टी हो जाए, सारे ने ऐसे किए थी यार, नाइस नाइस यार। ये एक और अब आपके आ गया, फिर से एक और बार बोलनी पड़ेगी, तीन बार सबने करा है, ऐसे ही बात, तू तो गाना गा भी तो भी हम कोयल मानेंगे। चल बड़ी अजीब कोयल है ये तो, कोई आवाज अच्छी थी। कमेंट करना है आपको, मेरा तो दिल है मिस्ट्री मैन भी, रेटिंग दो आप, अब रेटिंग दो, 10 10 में से कितने मार्क्स सबको। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, मिस्ट्री मैन नहीं करेंगे ना, नहीं 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 करेंगे, कहीं पता चले नहीं करेंगे। चलो सना को खाना खिलाते, सना को खाना खिलाते हैं। और आज क्या है, आलू का पराठा, आज मैंने ना एक देखी इसकी फ्रेंच प्लेटिंग की थी, आज इसका वो फ्रेंच प्लेटिंग मतलब प्लेट लगाई थी, प्लेट लगा के भेजी थी ना, तो इसके अंदर ये कितनी प्यारी लुक आ रही है ना, और जिसको जो चीज मिलती है ना, पहले पोनी कर रही थी रोज, अब इसको आज पोनी करी, पोनी नहीं होनी चाहिए उसको, बिल्कुल नीचे तक मान दो, तो मैंने बिल्कुल वो कर दिया, कंफर्टेबल रहा था। ये देखो सना खा रही है, बाकी ऑडियंस देख रही है, तीन तीन चार, और सना का टीवी देखने का भी मन नहीं है, पता नहीं क्यों। दाल वाली रोटी खा लेके गई थी, पता है, आलू वाली रोटी, तोरी भी खा सकते हैं सनू। अच्छा चल कोई नहीं, नाइस अच्छी क्रेजी फैम आ गई है, मेरी बारी, अब मैं खाऊंगी तोरी, रायता, कुकुम्बर, और ये ना ये स्पेशल, कोई अचार और नहीं खा पाते ना, तो मैं सुबह सुबह मिर्ची में नींबू डाल के रख देती हूँ, ये खाऊंगी। मिस्ट्री मैन खा रहे हैं, मैं भी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और ये साथ में चल रहा है व्लॉग, चलो खा के मिलती हूँ आपसे। बच्चों की क्लासेस हो गई हैं, चौड़ी की क्लास होगी, सना की क्लास, मैं भी क्लास लेके आ गया हूँ, सना की क्लास चल रही है, और फास्ट है, जैसा कि मैं आपको पता है मेरा, मैंने कोई सैड नहीं की, कुछ नहीं किया, लेजी सी पड़ी हुई, बस व्लॉग्स को ऐसे ऐसे कर रही थी। और इतनी देर में मैंने देखा हनीबी का कमेंट आया था, हनीबी ने बोला है, नहीं इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, उसने बोला है कि वो देखो मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे नहीं आई हुई, वो कह रही है आप एक मदर हो, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, तो मेरा दिल आज वही देखी जाए, और किसी ने देखी और उसका रिव्यू भी दिया जाए, रिव्यू दूंगी मैं उसका, बड़े टाइम से बोल रही थी मैं देखने के लिए, बट ये कह रहे थे नहीं ये सीरियस मूवी होगी, तो सीरियस हो, उसमें एक मदर की स्टोरी है जो अपनी कस्टडी अपने बच्चे के लिए लड़ती है, तो अब ये तो गंदी तो रूम बनाता है इसको, तो गंदी गंदी वो जो गेम्स वेम्स वाली चीजें होती है ना वो पसंद, अच्छा मतलब एक्शन तो फिर, और रात को अच्छा आज हम वो नहीं खा सकते ना, पॉपकॉर्न पेप्सी फास्ट है, कोई बात नहीं, तो मूवी तो आज देखेंगे या कल देखेंगे, कुछ कह नहीं सकती, मैं तो खा ही सकती हूँ बाकी। हाँ जी, और अभी खाना दे दो। हाँ जी, अच्छा अब खाना देते हैं, एक एक बच्चे को खाना खिलाते हैं, जैसे एक एक बच्चे को लंच करते हैं, उठ कर बैठो 2 मिनट। और आज बड़े टाइम बाद मम्मी उतरी है नीचे, आई दादी अभी तक आई नहीं है,
अच्छा अभी अब चली जाती है ना तो तब भी टेंशन हो रही है कि चली गई आएंगे, अभी आती है तो मिलते हैं पूछते हैं एक्सपीरियंस। हाँ बड़े टाइम बाद गई है, अब का इन्होंने छोड़ ही दिया जाना। पहले तो मेरी शादी हुई ना तो ये 4 बजे निकल जाती थी, तब कोई भी नहीं होता, तब मैं सो जाती थी दोपहर को। फिर सना हुई, सना को मैंने आदत डाली थी, पर जब जैसे ही फॉर्मल स्कूल में हुई ना फिर मैंने दोपहर का काटा मारा और रात को जल्दी सो। दोपहर को जो बच्चा सो जाता है ना मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, दोपहर को अगर आप सो गए तो उसका 2 घंटे तो उठ के वो सुस्ती में जाएंगे, तो जो आपका फ्रूटफुल टाइम होता है ना वो खत्म कर देते हो आप अपना स्कूल टाइम का। 4 बजे जो बच्चा सो रहा है, 4 बजे तो होमवर्क का टाइम है, क्या कहता है? सही बात है, मैं तो सोया नहीं अपनी स्कूल लाइफ में, मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ में नहीं सोया दोपहर में। तनिष सोता था हमारा, तनिष तो कभी भी, तनिष नोबिता है क्रेजी फैम, डोरेमोन का अगर आपने नोबिता देखा उसको बस तकिया, तकिए के बिना भी सो जाता है वो, पिल्लों के बिना। नींद नहीं आई ना, अगर उसको नींद नहीं मिली वो बच्चा बीमार, और सेम मेरे साथ है। अगर मुझे साइकोलॉजिकल लगे ना कि सुबह 3 बजे मेरे को भाई मेरे को 3 घंटे की नींद मिली है तो मुझे लगेगा मैं तो बीमार, मेरे को तो लगेगा। और सना का ऐसा नहीं है, चलो अब मिलते हैं दादी के, मिलते हैं मम्मी आ जाए तो, अब टेंशन थोड़ी सी हो रही है, नीचे देख के आओगे मम्मी को। दादी आ गई है, काफी खुश आई है नीचे से वॉक करके, वॉक करने जा रही है। कैसा रहा दादी एक्सपीरियंस? मैं वॉक कर रही हूं। हां मैं वॉक कर दें थोड़ी देर, फिर कहां गए थे? मैं तो शुक्लान के, ये तो सैवेज दादी निकली और हमें के मेरे को कह रही नीचे जा रही, मुझे लगा सैर करने गई है। नहीं मैं कह के गई। और ये देखो किसका फोन आ रहा है, बुआ का। अब समझ जाइए आप, आ गई है, इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। मैजिक मैजिक करके दिखाई, बस पानी डालने की बात, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी खुश होती हुई आई है कि मेरी कल की फोटो कितनी अच्छी बनी है, मैं तो मेरी आफ्टर बिफोर। अब इसके बाद क्रेजी मैम फोटो देखना हुआ जहाँ पे हम गए थे, देखो आ गई है फोटो। अंकल जी अभी तवे से अच्छी रोटी उतार रही है, ज्यादा गर्म नहीं है, मैंने पर बना के 5 मिनट रख दी थी। अच्छा तभी मुझे तुम्हारी चाय समझ आ गई। चाची जी ये पानी पिला दे, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया तुझे पानी पीना है। चाची मास्क, मम्मा मास्क, 11 12 दादी, ओ माय गॉड 12 दादी यार क्या कर रहे हैं ये लोग, क्रेजी फैम। चलो चलो खाना खाओ, नीचे देखो ये जो हम हॉट टॉपिक। हाँ ये देखो ये ना, अभी आपको बैक स्टोरी बता दे, म्यूट करो जरा। अब आप समझ ही गए होंगे, मैं तो क्रेजी फैम बिग बॉस जो जो देख रहे हो उसको हॉट टॉपिक बताओगा, इस टाइम का हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुई। आपका क्या स्टैंड है वैसे इस पे, टू बी ऑनेस्ट? बिल्कुल सबको बता दें, ये जो है ना ये नहीं है कि स्मूचेस बच्चों ने देखी नहीं है। हाँ। मूवी में जाते हैं बच्चों ने देखा हुआ है, छोटे हाँ। भी नहीं है, छोटे भी होते आजकल सबकी ओपन है, बट बिग बॉस में ये जो आप घर के एटमोसफेयर में हम एक चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हाँ। चीज ना हाँ। तो सबसे बड़ी बात है जो घर में बड़ा बंदा है वो ऑफेंड हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया ये यार। आपका अपना भी बताइए, आप लोगों का क्या व्यू है? सना भी कॉफी बनाएगी आज रात, चाहे 2 बजे से हूँ चाहे 3 बजे से हूँ, मूवी कोई भी जो भी देखूंगी शेयर करूंगी आपके साथ। सना सो जाए तब भी मिस्ट्री मैन में मूवी देखेंगे। फिर से देखा जाए तो देखो अंडा तक पी लिया, तो अब सास था क्या? उसके मैं तो गलत नहीं मानूंगा, मैं भी नहीं मानूंगी, मैं भी नहीं मानूंगी, वो तो मम्मी के साथ दादी क्या मानू या उनकी भी गलती नहीं ना, दादी की भी गलती नहीं है। लेट हो गया, मैंने स्कूल का कैमरा, वो मम्मी तो यूं पहले देखो हमने शुरू से देती देनी देखी इसलिए हमारे को लगता है। यस 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 साफ बात है। चलो चाची अपनी जगह पर बैठ गई हूँ, बिग बॉस सैक्रिफाइस नहीं कर सकती और हमें बोलने भी नहीं दे रही है, इतना सो रही है। सना यहाँ बना रही है कॉफी मेरे लिए, मिस्ट्री मैन के लिए और चाची के लिए। ये बना दी है सना ने वर्ल्ड फेमस कॉफी बाय गुरुजी तनिष महाजन। अब गुरु तो वही है, इसमें तो मानना पड़ेगा, छोड़ कॉफी। क्रेजी फैम ये मूवी है वो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे हैं अपना स्ट्रिबल खेल रहे हैं मेरे ख्याल, वो तनिष वगैरह सब बच्चे मिलके ना, तो मिस्ट्री मैन ये बैठे हैं, मिस्ट्री मैन और मैं देख लेते हैं मूवी फिर बताती हूँ आपको। क्रेजी फैम हाफ हो चुकी है, इतनी अच्छी मूवी मुझे समझ नहीं आ रहा मिस कैसे कर दी, और ये मिस्ट्री मैन और मैंने ही देखी है अभी तक। मतलब ये होता है ना गूज बम्स वाली मूवी है कि अभी इतना। अब हम ले रहे हैं कॉफी ब्रेक, कॉफी पीते हैं। क्रेजी फैम आ चुकी है कॉफी, कॉफी ब्रेक हो गया था, सना भी आ चुकी है, सना का सब गेम वेम खत्म हो गए। सना को मैंने स्टोरी थोड़ी सी समझा दी, थोड़ी क्या मेन तो अब शुरू हुई है,
अब शौर्य भी आ रहा है, पॉपकॉर्न इन्होंने बना लिया और हमारे सामने कॉफी हम पियेंगे, पॉपकॉर्न ये खा रहे हैं। चलो अब मूवी देखते हैं और रिव्यू पूरा दूंगी आपको, अच्छे से बताऊंगी मूवी कैसी है। और तनिष ने भी आज मुझे बोला कि चाची जरूर देखो, बहुत अच्छी है। मूवी हो गई है फिनिश, 1:30 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं ना। मिस्ट्री मैन और मैंने ही देखी, सना एंड की देखते देखते सो गई। बट लिटरली बताऊं सेकंड हाफ के बाद तो इतना रोना आया मुझे। ये एक होता है ना मदर की बॉन्डिंग जो बच्चों से होती है, ये एक मदर को जरूर देखनी चाहिए। मतलब इतना ऐसी पिक्चर थी कि मैं मुझे तो समझ ही नहीं है, मुझे तो लग रहा था मेरे साथ ही हो रही है ये चीज़, और अगर मेरे साथ होती तो मैं तो पता नहीं वहाँ क्या ही करती। जो उसने स्टेप्स उठाए हैं, इतनी इमोशनल मूवी, इतनी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अभी तक देखी क्यों नहीं थी। और जिसने नहीं देखी तो ये हर लेडी को देखनी चाहिए। तो मैं तो अभी भी सना पिक्चर देखते देखते सोई है, तो अभी भी नींद में अभी बोल रही थी मुझे इंडिया जाना है मुझे, मैंने कहा क्या करने जाना है, कह रही अपनी मम्मा के पास जाना है। मतलब इतना इसका इतना इम्पैक्ट था इस मूवी का, मतलब मेरा तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो रात को सपने भी यहीं आएंगे। बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब अभी भी ऐसे मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, इतनी अच्छी ये मूवी थी। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।